कितना गम है मेरा, गम कितना कम है दुनिया में, कितना गम है मेरा, गम कितना कम है। जय भीम राया, जय भीम, जय भीम, जय भीम राया, दलितों का तुमने भाग जगाया। जय भीम, जय भीम, जय भीम राया, दलितों का तुमने भाग जगाया। कांटों में फूलों को तुमने खिलाया, कांटों में फूलों को तुमने खिलाया, दलितों का तुमने भाग जगाया। जय भीम, जय भीम, जय भीम राया, दलितों का तुमने भाग जगाया। आवाज विशेष में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मोहम्मद अजीज जी हैं। 1980 का दशक इनके प्लेबैक सिंगिंग में बहुत बड़ा नाम रहा है, मोहम्मद रफी का वारसदार करके इन्हें कहा जाता है। आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आवाज इंडिया टीवी चैनल में आपका। सर मोहम्मद रफी इनके वारिस आपको कहा जाता है, तो पहली बार कब आपने इन महान गायक का नाम सुना? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कहने वाले क्या कहते छोड़िए, वो बहुत महान हस्ती हैं, मतलब मैं है ही कहूँगा, क्योंकि आज भी लोग उनको बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़ी बड़ा उनका नाम है, बहुत इज्जत है, और मैं उनका फैन रहा हूँ हमेशा, और आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, क्योंकि जो बचपन में जो हमने रेडियो सुने, रेडियो में जो गाने सुने, वो उनके ही सुने, हमारा जो बचपन था, जो दौर था, तो उस हिसाब से हम मैंने उनके गाने सुने, बहुत प्रैक्टिस किया बहुत। तो बचपन से गाना गाते थे आप? हाँ, बचपन से मुझे शौक था, स्कूल फंक्शंस वगैरह में भी जाता था, तो मैं उनके ही गाने गाता था। तब से फेवरेट आपके रफ़ी साहब ही थे? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरु हैं। तो आपके फैमिली में भी कोई थे संगीत से जुड़े हुए, जिनसे आप थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हुए कि मुझे संगीत में ही जाना है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को चुनना है? कोई गाने वाने में कोई नहीं है, लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी सुरीली हैं, उनकी आवाज़ अच्छी थी, मेरी एक छोटी बहन है, वो भी, उसकी भी आवाज़ अच्छी है, वैसे म्यूजिक पसंद करते हैं सब। अच्छा, मतलब म्यूजिक प्रेमी पहले से ही थे, तो वो आप में वो गुण आ ही गए माता जी से, आप तो ऐसा कह सकते? मेरे आने से तो नेचुरली वो सब भी स्टार बन गए। मोहम्मद रफ़ी साहब से पहली मुलाकात? मुलाकात क्या, देखिए हम जिस तरह मुझसे मेरे फैंस मिलने आते हैं, उसी तरह मैं भी किसी प्रोग्राम में उनसे जाके मिला कि भाई मैं आपके गाने गाता हूँ, किसी ने मिलवाया तो मैं मिला उनसे। सर पहला ब्रेक आपका, मतलब इंडस्ट्री में पहला आगमन कब हुआ, किस कैसे हुआ, वो योग कैसे जुड़ कर आया? 83 में वहाँ पे दुर्गा पूजा होता था बॉम्बे में, बांद्रा में एक नेशनल पार्क है, दुर्गा पूजा में प्रोग्राम होता है हमेशा, उसमें मैंने बड़ी कोशिश करके, बड़ी फील्डिंग करके मैंने प्रोग्राम किया उसमें, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे बंगाली प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर सब यहाँ आते हैं, शक्ति सामंत, प्रमोद चक्रवर्ती, बप्पी लहरी जी, अपना आर डी बर्मन साहब वगैरह, उस वक्त सभी धुरंधर लोग वहाँ आते ही थे, दुर्गा पूजा में जो 7-8 दिन चलते, तो मैंने वहाँ किया प्रोग्राम, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर थे मुकुल दत्त जी, जिन्होंने फिल्म आन मिलो सजना में डायरेक्शन दिया, तो वो आए थे, उन्होंने मुझे सुना, सुन के कहा मुझे तुम कल यहाँ मिलो, तो मैं गया, वो ले गए मुझे सपन जगमोहन जी के यहाँ, म्यूजिक डायरेक्टर थे, याद है? जी हाँ, सपन जगमोहन, नाम सुना? वो जो गाना है ना, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा दुआ सदा, मेरी आवाज़ को मेरे, मुकेश जी का गाना, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, और फिल्म बन रही थी दो वर्जन में, हिंदी और बंगला, हिंदी में अंबर और बंगाली में ज्योति,
ये जो विश्वजीत एक्टर थे, विश्वजीत उनके बेटे प्रसन्नजीत जो बंगाल के बहुत बड़े एक्टर, उनकी डेब्यू फिल्म थी ज्योति फिल्म, बंगाल ज्योति भी और अंबर भी, उसमें मुझे गाने का चांस मिला। तो पहला चांस आपको वहां से मिला, फिर उसके बाद शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई कि हिंदी फिल्म में पहला आगमन कब हुआ? बंगाली नहीं, बंगाली ब्रेक हो गया वहां से, क्योंकि वो जब रिलीज होगी तो फिर देखा। लेकिन मैं तो बॉम्बे में रहता था तो मैं हिंदी फिल्मों के लिए ट्राई करता था। मुझे उषा खन्ना जी ने बहुत सपोर्ट किया, उस वक्त ये एकलौती महिला ये थी, म्यूजिक डायरेक्टर थी, अब बहुत अच्छी लड़ी, बहुत मदरली कह सकते हैं आप, एक बहन की तरह कह सकते हैं, और उन्होंने बहुत से लोगों को चांस दिया, काफी सिंगर्स को चांस दिया उन्होंने, तो मुझे भी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बहुत सारी फिल्मों में गाने गवाए, और उन्होंने फिर उनके उनका मैंने गाना गाया था, वो गाना उन्होंने कैसेट भेजा प्यारे लाल जी को, इस लड़के को सुनिए जी, तो प्यारे लाल जी ने लक्ष्मीकांत जी को कहा। तो मैं तो इसी तरह स्ट्रगल कर रहा था, सबके यहाँ आता जाता था। एक दिन सुबह मैं सो रहा था, एक लड़का आया और आके कहा, भाई तुमको अन्नू भाई बुला रहे हैं, अन्नू मलिक, अन्नू मलिक जी। मैंने कहा क्यों? बोले बस तुम्हारी लॉटरी लग गई। तो मैंने, क्या लॉटरी यार, मजाक कर रहे, सुबह सुबह नींद से जगा के बकवास कर रहे। अरे मैं कुछ पागल हूँ क्या जो मैं तुमको नींद, तुम्हारी नींद खराब करने के लिए अपनी नींद खराब करूँ? अभी चलो रिहर्सल है, शाम को गाना है अमिताभ बच्चन के लिए, पहला गाना, मतलब एक बड़ा ब्रेक कह सकते हैं, बहुत बड़ा, मनमोहन देसाई जी की फिल्म, ये शायद 1984 की बात है, मर्द मूवी जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं गया तो मुझे कहा कि भाई देख, तुमको अमिताभ बच्चन के लिए गाना है टाइटल सॉन्ग। अच्छा, मर्द टांगे वाला जो फेमस गाना, आइकॉनिक गाना रहा है। मैं तो बहुत खुश हो गया। तो उन्होंने मुझे डराया भी बहुत अच्छी तरह, गाना नहीं तो तुम्हारा गाना कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बस ठीक है, मैं रिहर्सल करके गया, 4 बजे स्टूडियो पहुंचा, और वहां पहुंच के फिर मैंने गाया, बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत पसंद, अभी भी शायद लोग पसंद करते हो गाने। नहीं, वहाँ स्टूडियो में भी सबको बहुत मजा आया, वहां से मेरा काम चल पड़ा, और एक नाम मोहम्मद अजीज करके सामने आ लोगों। उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी ना, बहुत पब्लिसिटी बहुत होती थी, सारे 100-100 म्यूजिशियंस बैठे हैं, और जाजा के दूसरी रिकॉर्डिंग में बोलते थे दूसरे संगीतकारों कि अरे लड़का आया कमाल है, क्या गाया उसने, ये इस तरह से। मुझे फिर राजेश रोशन ने बुलाया, बप्पीदा ने बुलाया। मेरे ख्याल से उस वक्त शायद ही कोई म्यूजिक डायरेक्टर छूटा होगा इसने आपके साथ काम नहीं किया होगा। मैंने उनके साथ काम नहीं किया, ऐसा बोलिए म्यूचुअली दोनों कह सकते हैं सर, कोऑर्डिनेटली। हाँ सही बात है, मैंने उन दिनों सबके साथ काम किया। उस वक्त का कोई प्यारा सा अगर आप एक नगमा पेश कर पाए तो शायद दर्शक भी पसंद करेंगे। बहुत गाने हैं, क्या बताऊं मैं, इतने गाने, मतलब मेरा एक 10 साल का पीरियड। सर आप 15,000 के ऊपर गाने गा चुके, 17 भाषाओं में गाने गा चुके। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने मिले, और काफी बड़ी बड़ी फिल्में। कौन सा गाना सुनेंगे? कोई भी सर, आपके तो सभी नगमे एकदम दिल को छू जाते। मुझे मेरा एक गाना बहुत पसंद है, मैं वो आपको सुना। जरूर सर। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्या खूब सर, बहुत बहुत एक समासा बांध दिया था आपने। इस गाने का एक वाक्य भी है सर, मैं मुंबई में था, मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक बंदा सुसाइड करने वाला था, टैक्सी से जा रहा था, तो ये गाना आपका लगा,
उसने गाना पूरा सुना और फिर उसने डिसीजन बदल लिया और फिर वो वापस जीने के लिए प्रेरित हो चुका था। शायद आपके गाने से बहुत लोगों की जान भी बची, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो टैक्सी से जा रहा था सुसाइड करने, तो अब जब सुसाइड नहीं करता अब तो मर्सिडीज में घूम रहा होगा। जरूर सर, ऐसा भी हो सकता है। सर बातचीत जारी रखेंगे, बहुत कुछ पूछना है मुझे आपसे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गाने होते हैं सूफी गाने कहाँ है, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देने से थोड़ी सूफी गाना हो जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत, मेरे साथ मोहम्मद अजीज साहब है, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर ब्रेक पे जाने के पहले आपने अच्छा खासा समा बांध दिया था, बहुत सारे एक प्यारा सा गाना सुनाया था आपने। बहुत सारे कंपोजर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता था काम करने में? एक फ्रीडम कहाँ मिलती थी कि गायक अपनी गायकी अपने मन मर्जी से गा सके? देखिए सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं। मैं फिर भी एक फेवरेट तो होता है सर हर किसी का, मैं बता रहा हूँ। हाँ। सब अपने अपने अंदाज के मालिक थे। उन दिनों एक बात अच्छी थी कि सबको अपना स्टाइल था, और कोई किसी का स्टाइल किसी की स्टाइल कॉपी नहीं करता, तो सब ओरिजिनल कंपोजर थे, इंडिविजुअल थे और हटके थे हर कोई अलग। हाँ। चाहे आप किसी की भी बात कीजिए तो, लेकिन क्या है कि जाहिर है कि एक आदमी जिसके साथ ज्यादा काम करता है उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहता था। हालांकि उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके गाने बहुत मुश्किल होते थे, तीन अंतर हैं तो तीनों की ट्यून अलग होती थी। लेकिन जो एप्रिसिएशन मिलता था ना, उससे एक उत्साह बढ़ता था, चाहे कितना भी मुश्किल गाना हो। एक जैसे कि कोई सुना पाए आपको थोड़ा सा, कोई सा गाना लीजिए ना, देखिए हर अंतर की ट्यून अलग है। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। वो लोग परफेक्शन बहुत चाहते थे, बड़ा डिटेल मास्टर, लेकिन मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी उनके साथ कि मुझे बाद में बड़ा इजी लगने लगा, और मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर में गा रहा हूँ। हर दिन रिकॉर्डिंग होती थी उनकी, तकरीबन महीने में शायद 15 से 20 गाने, और सर अलग अलग वैरायटी। मैंने 277 सॉन्ग्स गाए उनके। क्या बात है, सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत मजा आता है उनकी रिकॉर्डिंग, ऐसा लगता है कोई फेस्टिवल हो रहा है। 100 के ऊपर तो म्यूजिशियंस होते थे, बड़ा तामझाम रहता था, सभी शायद इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे। 40 कोरस, बड़ा धमाल बोलते हैं ना वो, बहुत मजा आता था। सिंगर के लिए फेस्टिवल होता था वो, कि भाई एंजॉय करिए बस। बड़ा चैलेंजिंग, क्योंकि उनके यहाँ जो म्यूजिशियंस बजाते थे वो सारे वो लोग थे जो हिंदुस्तान के नहीं इंटरनेशनल फिगर, हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, ऐसे थे लोग बजाते, मनोहारी सिंह, दुरारंदर लोग सारे, तो ऐसे लोग बजाते थे। तो आपको बड़ा चैलेंज होता था कि आपको सुर में गाना है और अच्छा, उनसे मैच करना है उनकी ट्यूनिंग, अच्छा गाना है, क्योंकि सबके कान में हेडफोन होता है और आपको उनको सुनाना है। ये भी याद सर, आप मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े फैन रहे, आपके भी कुछ फैंस के कुछ किस्से अगर आप सुनाना चाहे बताना चाहे, कुछ अलग वाक्य कुछ हुआ हो कहीं? मैं क्या बताऊं, चाहने वाले तो इतना इमोशनल कर देते हैं ना, कुछ लोग अक्सर एक एक लोग ऐसे हैं अपनी जिंदगी, मतलब ऐसे दुआ करते हैं कि जैसे भगवान मेरी उम्र भी आपको दे दे। सर दिल से चाहते हैं लोग तो, ऐसा जब कहते हैं ना तो बहुत, इंसान दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता है, लेकिन अगर सामने वाला ये कहे कि भगवान मेरी ज़िंदगी भी आपको दे दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ऐसे चाहने वाले, एक वाक्या बताता हूँ, मेरठ से एक लड़का चिट्ठी लिखता था, उन दिनों मोबाइल वोबाइल नहीं था, लाइन लाइन होता,
चिट्ठी लिखता था लाल रंग से, तो मैं लिखता था और बड़े बहुत खूबसूरत कुछ डेढ़ दो पेज का, और बहुत इमोशनल लेटर होता था। और लेटर में वो ये बार बार लिखता था कि ये मैंने अपने खून से लिखा है। क्या मैं घर पे बात करता था कि यार देखो कैसे झूठ बोल रहा है बेवकूफ, हर 10-15 दिन में एक लेटर आता है उसका और बोलता मैंने खून से लिखा। बकरे बकरे का खून होगा। खैर काफी दिन हो गए, एक दिन एक लड़का आ गया, वो ही लड़का मेरठ से, और बेल बजाया, दरवाजा खुला, मैंने बोल सर मैं ताहिर मेरठ से। मैंने बोला हाँ अरे हाँ बोलो बोलो क्या, अरे सर मैं आपसे मिलने आया, बोल घर पे लिया उसको बैठाया। तो मैं भी थोड़ा इमोशनल था उसके मामले में कि इतना अच्छे से लेटर लिखता था शेर व शायरी के साथ, रोमांटिक टाइप लेटर, और बड़ी दुआएं लिखता था। फिर मुझे याद आया, मैं बोला अच्छा यार तुम जो बोलते हो कि मैंने अपने खून से लिखा है तो खून लिया कहाँ से दिखाओ। वो फुल शर्ट पहने जैसे खोला दोनों हाथ, यहाँ से यहाँ पूरा कटा हुआ उसका, ठीक है, और कुर्ता पजामा पहना था उसने, इधर भी दिखाया। मैं उसको लिपट गया बिल्कुल, ये भी दीवानगी, मैं लिपट गया उसको, बहुत प्यार किया और उसको कसम दिया उसकी माँ की कि बेटा तुम आज के बाद से प्लीज ये काम नहीं करना, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे भी तुम्हारी जिंदगी से प्यार है, आइंदा ये काम नहीं करना। अब तो बाल बच्चेदार है, अभी भी उसके फोन आते हैं, बहुत दिनों से मेरा भी घर चेंज हो गया था, उसके बाद नंबर नहीं था। फिर मैं मेरठ गया तो मैंने 4-5 लोगों को बोला भैया एक ताहिर नाम का लड़का है कहीं मिलेगा, तो भाई अब तो लड़का नहीं है अब आदमी है वो बड़ा हो गया, बाल बच्चेदार है, जवान जवान बच्चे हो गए उसके। उसको खबर मिली, वो आ गया, आके मिला, तो अभी उसका अच्छा खासा बिजनेस है फिश एक्वेरियम में। चलिए, मतलब अच्छे खासे लोग भी आपके फैन चाहने वाले और अपना जिंदगी भी अच्छा जी रहे हैं। सर सूफी गाने आप अच्छा गाना पसंद करते हैं, अपने रफ़ी साहब भी सूफी बहुत अच्छा गाना गाते थे, तो क्या इस वक्त भी सूफी गाने में कुछ चेंजेस लग रहे हैं आपको, अभी जो गाए जाते हैं और उस वक्त के जो? नहीं, अभी जो सूफी गाने होते हैं सूफी गाने कहाँ हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देने से थोड़ी सूफी गाना हो जाता है। नहीं पर सर फिर भी कुछ लोग हैं, कैलाश खेर जी अच्छा गाना गा लेते हैं, कुछ और भी बहुत। मैं बुरा किसी को नहीं बोलता हूँ, सूफी गाने का मतलब क्या है उनको पता भी नहीं है सूफी गाना क्या होता है, इबादत जहाँ तक कहते हैं कि। अरे सूफी गाने तो मेरे 1200 के ऊपर हैं जी, मैं इसीलिए कहा 1200 के ऊपर। एक आध सूफी अगर आप सुना दे तो, जहाँ तक। 5 वक्त इन मीनारों से आती है आवाज, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है, मंदिर जाओ मस्जिद जाओ, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत और भी जारी रखेंगे, नागपुर के बारे में बहुत सी चीजें पूछनी है मुझे, आप नागपुर में विजिट कर रहे हैं, नागपुर का एक छोटा सा ब्रेक के बाद सर, नागपुर का संतरा बहुत मशहूर है सर, नागपुर के संतरे पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो हिंदी और उर्दू खासकर ये लैंग्वेज तो सीखो ताकि उच्चारण सही हो, तलफ्फुज़ सही हो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत आवाज विशेष में, मेरे साथ मोहम्मद अजीज साहब है, बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर ब्रेक पे जाने के पहले आपने हमें एक सूफी गाने, अभी कुछ उतना वो सूफी गाना रहा नहीं ऐसा आपने कहा, पर नागपुर के बारे में मैंने आपसे छेड़ा था, नागपुर के संतरे का आपने जिक्र किया था, नागपुर हर बार आप विजिट करते हैं कई कई सालों बाद, क्या कनेक्शन रहा है नागपुर से आपका, मतलब कैसा कनेक्शन रहा है? भैया ये सबसे पहले तो ये कि ये नागपुर जो है यहाँ से भी बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉम्बे में हैं, कामयाब हैं, मगर मेरे ख्याल में क्या मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एक लगाव ये भी है
कि ये मुंबई से नज़दीक है, एक घंटे की फ्लाइट है, और महाराष्ट्र में है। जिस तरह बंगाल मेरा जन्मभूमि है, बंगाल मेरी जन्मभूमि है, तो महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है। इसी महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, मुझे करियर मिला, मुझे नाम मिला, मुझे इज्जत मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे महाराष्ट्र की कोई भी जगह है ना, उससे मुझे थोड़ी सी अपनाइयत हो गई है, एक लगाव हो गया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सहारा मिला है, यहाँ से सक्सेस मिली है, इज्जत मिली, नाम मिला, प्यार मिला, लोग मुझे पहचानने लगे। तो नागपुर से एक मतलब फैन फॉलोइंग भी बहुत, नागपुर सिटी भी काफी डेवलप हुआ है, बहुत ही डेवलप हुआ। और यहाँ ये बहुत म्यूजिकल जगह है, यहाँ म्यूजिक लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने प्रोग्राम किया यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिले। मतलब ये कि प्रोग्राम हमने खत्म किया तो खत्म हुआ, उनका बस चलता तो रात भर सुनते रहते, वंस मोर के नारे तो कोई इरादा ही नहीं है उनका घर जाने का। सर बहुत म्यूजिक लवर बहुत है, हर महीने यहाँ कॉन्सर्ट होते रहते हैं। आप भी यहाँ एक कॉन्सर्ट के लिए आए थे, जहाँ तक आप कल बुद्धा स्पिरिचुअल पार्क जहाँ तक आप गए, क्या उससे जुड़ा कुछ वाक्य मुझे बताइए, क्या कैसा रहेगा? आज है मेरा प्रोग्राम। जी हाँ, आज वहाँ है तो आप उस पार्क के लिए आए। ये तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है का मौका है, ये उपलक्ष्य, ये महीना है, तो उनकी याद में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो और भी कलाकार हैं, अच्छे अच्छे आए हुए हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर, इनके बारे में कुछ हमें बताइए, आपने जिक्र किया, उनके बारे में क्या बोलना। देखिए, छोटा मुँह बड़ी बात, तो बहुत बड़े थे और उन्होंने छोटे बड़ों का फर्क दूर किया। जो लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे, उनको बता दिया कि तुम छोटे नहीं हो। भगवान ने, अल्लाह ने एक इंसान बनाया, हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि भाई हम बड़े हैं, आप छोटे हैं। ये फर्क को उन्होंने खत्म किया, वो फैक्टर दूर कर दिया उन्होंने। मतलब सही मायने में 1947 को भारत आजाद हुआ था, पर असली आजादी शायद उन्होंने दी, ऐसा कुछ। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तानी आजाद नहीं हुए थे। हाँ हाँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आजाद करवाया। उन्होंने ये जो अहंकार था कि मैं बड़ा हूँ, उसको खत्म किया, और जो कॉम्प्लेक्स के शिकार थे उनको एक लेवल पे लाके खड़ा किया। पढ़ाई लिखाई करो, काम करो, अपनी जगह बनाओ। और आज देखो, आज पता भी नहीं चलता कि कौन क्या है, कौन क्या है। अब सिर्फ नाम से बोलते हैं, ये दलित है, ये शेड्यूल कास्ट है, वो ब्राह्मण, अब नहीं पता चलता है। सब बराबर जहां तक आ चुका है, खत्म हो गया सर, खत्म तो नहीं, पर हाँ कोशिश हो रही है काफी। हाँ, काफी हद तक कम। अब तो कोई सोचता भी नहीं है, एक सोचता है तो दूसरा उसको गाली देता है जरूर। ये भी है, ये भी है सर। आप दीक्षा भूमि में भी गए थे, वहां का कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरे अजीब माहौल था, इतना अच्छा वाइब्रेशन था, इतना सुकून था कि मैं क्या बताऊं। अजीब, वो जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनी है, वो भी इतनी खूबसूरत बनाई गई है, वो काफी पूरा एरिया जो है वो बहुत प्यार से बनाया गया है। पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है, अजी वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। बोधि वृक्ष भी आपने देखा, जहाँ तक जहाँ भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्ति, वो भी आपने देखा। वही वही है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। अजीब सा एक सुकून है, शांति है वहाँ। बहुत मतलब पूरे दुनिया से टूरिस्ट वहाँ आते ही हैं, आप भी आज वहाँ एक आपने वो खुद ही एक अनुभव ले चुके हैं। सर जाते वक्त आखिरी में, संगीत आप जहाँ तक बहुत पहले से बचपन से आप जुड़े हुए हैं संगीत से, 60 साल 30 साल आप हो जाएंगे जहाँ तक चला, पर आप तो गाने से आप अभी एक जवां दिल आप धड़कते रहते हैं। गाना किस प्रकार से चेंज हो, म्यूजिक में क्या चेंजेस लगते हैं आपको उस दौर से, जैसे हर दशक में चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या कंपेरिजन क्या लगता है? चेंजेस क्या, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पहले हम कलकत्ता से बिहार जाना भी बहुत बड़ी बात समझते थे, अब दुनिया जो है आपके घर में आ गई है टीवी में, अब तो उससे भी ज्यादा एडवांस ये हो गया कि आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर है, गूगल है, तो सब कुछ। अब क्या है कि धुन बनाने की जरूरत नहीं है, वहां का कोई गाना ले लो, उसमें हिंदी शब्द बिठा के डाल दो, रिमिक्स कर दो, कंपोज कर लो, कुछ भी कर दो,
और गाने वाले भी जो है वो भी ओरिजिनल बहुत कम रह गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस एक दूसरे को जो पॉपुलर उसको उस जब कॉपी गाना बन रहा है तो आवाज़ भी वैसी बना ले रहे हैं वो। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ज़्यादा कुछ कहेंगे तो यही कहेंगे आउटडेटेड है, बकवास कर रहा है, यही है बस। आज के कुछ युवा जो गीतकार हैं जो गाने वाले हैं उनके लिए कुछ संदेश सिंगर्स के लिए? नहीं भैया, अगर हिंदी गाना बजाना है तो हिंदी और उर्दू खासकर ये लैंग्वेज तो सीखो ताकि उच्चारण सही हो, तलफ़ुज़ सही हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कायनात को कायनात बोलते हैं, कफन को कफन बोलते हैं, गुजारिश बोलते हैं, बेगम को बेगम बोल देते हैं, ये बहुत 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 बुरा लगता है। वर्ड्स बराबर यूज़ करने से खराब हो जाते हैं, बहुत ख़राब होते हैं। तो भाई मुझे कोई जबान नहीं आती तो मैं आपसे पूछ लूँ गाते वक्त, मैंने भी गाया है, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। आप पहले जबान को सीखिए फिर गाइए, संगीत सिर्फ सीखने से नहीं होगा, अनुभव लीजिए उसे, प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होना चाहिए, मतलब शब्द जी कर देखिए, शब्दों को उसी प्रकार से उच्चारिए जैसा उसका उच्चारण होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है ज्यादा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आवाज इंडिया टीवी पर आए और हमें वक्त दिया आवाज विशेष में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों ये थे मोहम्मद अजीज जी, जिन्होंने बहुत 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 सारी बातें हमें संगीत की दुनिया की बताई। ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।